हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 5 अक्टूबर दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। हर साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। दरअसल इस संधि में शिक्षकों के अधिकार एवं जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित सिफारिशें की गई थी। इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्चतर शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर की गई यूनेस्को की अनुशंसाओं को अंगीकृत किया गया था। पढ़ाई के पेशे को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन राष्ट्र निर्माण में टीचर्स के योगदान के लिए उनके सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके अपनी ज़िंदगी में शिक्षकों के योगदान के लिए उन्हें आभार जताता है। हमारे देश में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, बेहतरीन शिक्षक, स्कॉलर और राजनेता थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। राधाकृष्णन एक बेहतरीन शिक्षाविद थे और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए समर्पित थे। आज की पहली करंट अफेयर है, असम सीएम ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारम्भ किया। असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जाँच करने का भी अवसर मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का किया शुभारंभ। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है, जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा। जहां आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह पहल आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करेगी और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, मुंबई ने किया अपनी जैव विविधता का मानचित्रण। मुंबई में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को देखने हेतु मुंबई के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए यह अपने प्रकार का प्रथम प्रयास किया गया है, जिसमें शहर के वन्य जीव आकर्षण के केंद्र मैग्रोव वन, शहरी हरित स्थानों और शहर में देखी जा सकने वाली 90 से अधिक प्रजातियों को दर्शाने के लिए शहर की जैव विविधता का मानचित्रण किया गया है।
ग्रीन ह्यूमर के उपनाम से लोकप्रिय रोहन चक्रवर्ती द्वारा इस मानचित्रण का निर्माण किया गया है। यह मानचित्र मुंबई निवासियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा, जिससे कि वे मुंबई की जैव विविधता की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। यह मुंबई के मैजिक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए एक अभियान बायोडाइवर्सिटी बाय द बे का एक भाग है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को MGNF के गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने गांधी पुरस्कार के लिए चुना है। संजय सिंह ने इजराइल में एक निजी कंपनी की बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्रों को हटाने के लिए भारत के कूटनीतिक हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष जनवरी में नई दिल्ली में एक समारोह में उपराष्ट्रपति MVNaidu आप सांसद को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के तहत महात्मा गांधी की एक मूर्ति और 25,001 रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आज की हमारी करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1676 ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला। आज ही के दिन सन 1805 में भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1818 क्लाउडिन थियवेनेट मैरी ऑफ सेंट इग्नाटियस के रूप में जाना जाता है ने फ्रांस के लियोन में रोमन कैथोलिक आदेश स्टडीजीज डी यसस मैरी की स्थापना की। आज ही के दिन सन 1915 में बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। आज ही के दिन सन 1944 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला। आज ही के दिन सन 1988 ब्राज़ील की संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी। आज ही के दिन सन 1989 मीरा साहिब बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। आज ही के दिन सन 2011 एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में पैनक्रियाज कैंसर के कारण निधन हुआ। आज ही के दिन सन 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश लॉन्च किया गया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।